हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट, और मैं फिर से हाजिर हूँ 7 डेज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को लेकर, और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं आपको क्या करना है, आज की रेमेडी जो है वो क्या होने वाला है और उसको आपको किस तरह से अप्लाई करना है, और साथ ही साथ वो आपके बालों पे किस तरह से जो फायदा करेगा वो किस तरीके से फायदा करेगा। गाइज, मैंने आपके कहने पे, आपकी डिमांड पे वही इंग्रेडिएंट यूज किया है जो आपको आसानी से मिल सके। तो इजी है इंग्रेडिएंट सारे के सारे, इसको बनाना आसान है, इसको अप्लाई करना आसान है, इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट चाहिए, वो भी मैं वीडियो में एक बार मैं फिर से इसके रूल्स बता दूं कि 7 पार्ट्स में ये पूरा का पूरा चैलेंज होगा, ये सीरीज होगा, और उस 7 जो रेमेडीज आपको मिलेंगे उसको आप कितने दिन में कंप्लीट करना चाहेंगे, ये मैं आप पे छोड़ा हुआ है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहते हैं या थोड़ा सा टाइम लगा के बालों को अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बता दे रही हूँ 7 के 7 की रिप्लेसमेंट आप क्या क्या कर सकते हैं, फायदा उसका सेम ही होगा। तो एक बार फिर से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं और आपको रेमेडीज कैसे लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रेमेडी क्या है। मैंने आपको बहुत तरीके का सीरम बताया है, वाटर बेस्ड हेयर मास्क बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ है। तो एक बार फिर से मैं वाटर बेस्ड हेयर मास्क बता रही हूँ। चलिए, ठंड का दिन है वो मैं मानती हूँ, लेकिन कोई भी जो मैं रेमेडी बताती हूँ वो पूरे साल के लिए होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पानी को अभी हम कैसे विंटर में अप्लाई करें। वाटर बेस्ड हेयर मास्क किसी भी मामले में, विंटर्स में भी, इवन ऑयल बेस्ड जो मास्क होते हैं उससे ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक तो आपके बालों पे बहुत ही हल्का होता है, दूसरे की तेल का जो थिकनेस होता है, ऑयल का जो थिकनेस होता है, वो विंटर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, इससे आपके क्लॉग्ड पोर्स हो सकते हैं। तो कोशिश करें विंटर हो या समर, वाटर बेस्ड हेयर मास्क को ही ज्यादा प्रेफरेंस दें। तो अभी जो मैं मास्क बताने जा रही हूँ, एक मल्टीटास्किंग हेयर मास्क है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बालों को हर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से ट्रीट करेगी। इसमें अनियन पील है जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, इसमें पोटैटो पील है जो आपके हेयर लेंथ को बढ़ाएगा, इसमें फ्लैक्सीड है जो आपके बालों के थिकनेस को बढ़ाएगा, इसमें हिबिस्कस है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला रखेगा। तो देखिए, है ना ये एक मल्टीटास्किंग हेयर मास्क, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जो पहली चीज इसमें जा रही है, बहुत का जो हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट है वो फ्लैक्सीड नहीं है, ये जस्ट इसका संगी साथी है, इसलिए इसकी क्वांटिटी हम 1/2 टेबल स्पून रखेंगे, 1 छोटा चम्मच के बराबर। तो ये हम सबसे पहले हमने इसको डाल दिया। दूसरी जो चीज होगी वो देखिए पेटल्स हैं हिबिस्कस के, ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, ये बालों को काला रखने के लिए, साथ ही साथ आपके हेयर रूट्स को मजबूत करने के लिए। इसमें हम डायरेक्टली गार्लिक ना डाल के, देखिए इस तरह से जो छिलका होता है लहसुन का उसको हम डाल रहे हैं, ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इसको मान सकते हैं, आपके जो छिलके विलके हैं इसमें ज्यादा यूज हो रहा है, तो आपकी कोई भी चीज वेस्ट भी नहीं होगी और आपके बालों के लिए एक वंडरफुल सा हेयर मास्क रेडी हो जाएगा। ये लेमन का जो निचोड़ने के बाद जो हिस्सा बचता है, लेमन पील इसको कह सकते हैं, ये हम डाल रहे हैं, पूरा का पूरा लेमन जूस नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है ये माइल्ड होता है लेमन जूस से, तो इसको आप डालिएगा, इसे तो इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, दूसरे आपके बालों को विटामिन सी प्रोवाइड होगा। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया। देखिए अनियन पील है, ये हम डायरेक्टली अनियन ना डाल के उसका पील डाल रहे हैं। ये देखिए पोटैटो पील है, आलू का छिलका, ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे। तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें जो भी चीज़ें हम फेंक देते हैं जनरली वही चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, और इसके बाद जो ये हेयर मास्क रेडी होगा ये किसी भी महंगे से महंगे आपके पार्लर के ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको हम बॉयल करेंगे 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे, या फिर हाई हीट पे आप इसको 1 से 2 मिनट तक बॉयल कीजिए, ये रेडी हो जाएगा। तो इसको हम चलिए हम बॉयल करते हैं और उसके बाद इसको स्ट्रेन करेंगे, और वो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपका हेयर मास्क होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, और बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, नहीं तो इसके बेनिफिट्स कम होने लग जाएंगे। तो स्लो फ्लेम पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको 5 मिनट्स तक कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई हीट पे कर रहे हैं तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए हिबिस्कस फ्लावर और ये जो ऑनियन है सबका इसका इसमें एसेंस आ चुका है। तो अब हम इसको बंद करेंगे गैस को, और इसके बाद इसको हम स्ट्रेन करेंगे, और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। आप चाहिए तो इतना बड़ा सा लेमन नहीं डालना चाहे तो इसको ग्रेट करके जो कुछ लेमन जेस्ट होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, और इसमें देखिए सब चीज़ों का गुडनेस, जितने सारे इसमें पील्स मैंने डाले हुए सब इस पानी में आ गए हैं, और ये पानी बहुत ही आपका एक हेल्दी हेयर मास्क रेडी हो गया जो आपके आपके बालों के तरह तरह के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा। खास करके जो भी लंबे बालों के शौकीन हैं और एक मोटी चोटी बनाना चाहते हैं और अपने बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना कर रखना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला हेयर मास्क परफेक्ट है। हमारा रेडी हो गया, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ब्यूटीफुल सा वाटर बेस्ड हेयर मास्क आपका रेडी हो गया।
ये लड़के लड़कियों सबके लिए, इवन आप बच्चों पे भी इसका यूज कर सकते हैं। एक बात बता दूं गाइस कि वाटर बेस्ड हेयर मास्क की एक खूबी होती है कि इवन इसको आप बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के ऊपर के बच्चे जो भी होंगे उस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीजों के पील्स इसलिए यूज की कि कभी कभी गार्लिक क्या होता है किसी के लिए स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा उसका जो पंजेंसी होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है। सेम अनियन के साथ होता है, अनियन बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, तो अगर इस तरह के अगर आप पील का यूज करेंगे तो ये सबके लिए सूटेबल होगा। तो ये आपका रेडी हो गया, इसको लगाइए वीक में कम से कम 2 बार, किसी भी स्प्रे बॉटल में डालिए, रूट से टिप तक तो अप्लाई करना है, 1 से 2 घंटे छोड़ना है, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं कम से कम 1 वीक के लिए, लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेट करेंगे तो इसको आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखा आपने ये रेमेडी क्या है, कितना आसान था, इसको अप्लाई करना है वीक में कम से कम 1 दिन। तो इस बार मैं जो भी रेमेडीज आपको बता रही हूँ वीक में 1 ही बार अप्लाई करना है, क्योंकि 1 ही बार में वो अपना असर दिखा देगा, तो इसको रिपीट बहुत ज्यादा नहीं करना है। कोई भी एक अच्छा रेमेडी जो भी होता है उसका असर कम से कम 5 से 6 दिन तक रहता है। तो ये होता है एक जो पावर पैक्ड हेयर मास्क होता है या हेयर स्प्रे, उसका असर। तो इस बार मेरे सीरीज की यही खासियत है कि मैं जो भी आपको रेमेडी दे रही हूँ वो वीक में सिर्फ 1 दिन लगाना है, 1 दिन के एप्लीकेशन के बाद ही उसका रिजल्ट दिखाई देगा। 7 रेमेडीज हैं, तो मे बी आपको 1 वीक में 2 रेमेडी भी लगाना पड़ सकता है, 3 भी लगाना पड़ सकता है, इसलिए एक जो खास स्पेसिफिक रेमेडी है उसको वीक में 1 ही बार लगाइए। तो आज की रेमेडी भी वीक में 1 बार लगाना है। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि जो ये पूरा का पूरा 7 रेमेडी मैं आपको बता चुकी होंगी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका शेड्यूल बता दूंगी, 1 वीक में कौन कौन से रेमेडी आपको कितनी बार लगाना है। तो होप करती हूँ कि ये वाला सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर अभी भी आप कोई चेंजेस चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं बता दूं कि इसको कितने दिनों के अंदर अप्लाई करना है, या 15 डेज का होगा या 30 डेज का होगा, तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। वो भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।